longitudinal stress. You know that stress is the ratio of force and the area. That means stress is the force acting per unit area of a body. Now stress जब हम किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है, मतलब उस बॉडी में स्ट्रेन तैयार होता है, और स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. दैट मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन. तो जब किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो उस बॉडी में स्ट्रेन तैयार होता है. दैट मीन्स वी कैन से दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. लेकिन एक लिमिट तक हम लोग स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट तक स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं. जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वैसे वैसे वहां पर स्ट्रेन तैयार होता जाएगा. आप स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस कम करोगे स्ट्रेन भी कम होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस हियर. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इट इज रिलेटेड विद द चेंज इन लेंथ. मतलब जब आप लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो इसका मतलब डेफिनेटली वहां पर आप लेंथ को चेंज करने वाले हो. कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करोगे और उस बॉडी के लेंथ में अगर चेंज आता है देन इट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट. मेटेलिक वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट. तो ये रिजिड सपोर्ट हो गया, यहां से हम लोग एक वायर को सस्पेंडेड कंडीशन में रखेंगे. दिस इज रिजिड सपोर्ट. लेट अस कंसीडर कैपिटल एल इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ दिस वायर. जैसे ये वायर है समझ लो, ये वायर है, तो वायर का अगर लेंथ बढ़ाना है तो हम लोग यहां पर इस जगह पर लोड लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, इसको खींचेंगे. लेंथ बढ़ाना है तो इसको पकड़ के ऐसा खींचेंगे. मतलब आपने इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर फोर्स लगाया, आपने इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर फोर्स लगाया. तो जब आप यहां पर फोर्स अप्लाई करोगे तो इसका लेंथ बढ़ेगा. So in this case, this is change in length and denoted by L. इसको L से denote किया और ये हुआ position of load. ये load का position हो गया. This is force is equal to mass into gravity. M is the mass of this block. इस block का mass होगा M. And g is acceleration due to gravity. So in this case the force is acting per unit cross-sectional area. Cross-sectional area per force apply ho raha hai. So the definition is that the force acting per unit cross sectional area of a body is called as longitudinal stress. It is called as longitudinal stress. His definition is longitudinal stress upon force. Upon force कहां पर apply हो रहा है? Cross section area पे. Cross section area पे. And this is equal to force F हो गया और क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ए. ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस वायर.
यू नो दैट फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. तो यहां पर फॉर्मूला हमने लिखा मास इनटू ग्रेविटी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो वायर है, वायर का आप लोग शेप देखो, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, वायर का शेप भी सिलेंड्रिकल होता है. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर इज सर्कल, सो क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटालिक वायर इज ऑल्सो सर्कल, एंड हेंस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. तो आर जो है वो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेडियस होगा, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ये रेडियस होगा. जैसे अगर मोटे तौर पर अगर बता दिया जाए, जैसे ये वायर है समझ लो, ये रिजिड सपोर्ट है और ये वायर है, ठीक है, तो ये हो गया वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हुआ वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया. तो ये समझ लो सेंटर हो गया उस क्रॉस सेक्शन का, तो यहां से लेकर यहां तक ये बन जाएगा इसका रेडियस. ये जो रेड कलर से मैंने जो मार्किंग किया है, ये हो गया रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटालिक वायर इज डिनोटेड बाय ए, फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इट इज द लोड, formula for the load is mass into gravity, m is the mass of this block, जो हमने block यहाँ पर लगाया, जो weight लगाया, उसका mass है, r it is the radius of cross section area of the metallic wire, so f so longitudinal stress equal to mg upon pi r square. Now we can find out the unit of this longitudinal stress. फोर्स है यूनिट न्यूटन, एरिया है यूनिट मीटर स्क्वायर, दिस इज इन एमकेएस सिस्टम. न्यूटन का डाइन होता है सीजीएस में और मीटर का सेंटीमीटर होता है, सो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इट इज इन सीजीएस, ये सीजीएस में होगा. व्हाट आर द डाइमेंशंस, डाइमेंशंस फॉर दिस लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज फोर्स है, फोर्स का डाइमेंशन होता है एम वन L1 T माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया, तो एरिया का डायमेंशन होता है L2 एंड हेंस M1, L2 ऊपर जाएगा माइनस टू होगा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, और T जो है ये माइनस टू, एंड हेंस इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशंस आल्सो. तो ये हो गया लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में. जहां पर हमें एक वायर लेना होता है जिसका ओरिजिनल लेंथ एल है, इस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है जिसके कारण लेंथ चेंज होता है, चेंज इन लेंथ इज डिनोटेड बाय एल, और जो लोड है वो हो गया एफ इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी. सो इन दिस केस दिस फोर्स इज एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए मेटालिक वायर. थैंक यू. नाउ लेट अस स्टार्ट कंसेप्ट ऑफ बल्क स्ट्रेस. बल्क स्ट्रेस इज रिलेटेड विद द वॉल्यूम. जब हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उस बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब वहां पर वॉल्यूम स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, जिसको हम लोग बल्क स्ट्रेन कहते हैं, बल्क स्ट्रेन अगर क्रिएट हो रहा है तो हम लोग उसको बल्क स्ट्रेस कहते हैं. That means bulk stress is responsible for the bulk strain. मतलब bulk stress जो है ये एक force होगा जो body के unit area पर apply किया जाएगा, जिसके कारण उस body का volume change होगा. And hence, let us take one example for this bulk stress in which we can explain the change in volume. So in this case, hollow metallic sphere is an example of this bulk stress. हमारे पास में एक sphere है जिस sphere का original volume V है, जिसका original volume V है, इस force के ऊपर
इस स्फीयर के ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा हर डायरेक्शन से इस सरफेस एरिया के यूनिट एरिया पर फोर्सेस अप्लाई होंगे हर तरफ से आपको इक्वल फोर्स अप्लाई करना है जिसके कारण इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा दिस डिक्रीज इन वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय डीवी ओरिजिनल वॉल्यूम था इसका वी ओरिजिनल वॉल्यूम था और अब यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ जिसको हम लोग यहां पर डीवी कह रहे हैं कौन सा फोर्स अप्लाई किया नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया क्यों नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया अगर आप इस फोर्स को ऐसा शो करोगे तो इसमें जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो हर डायरेक्शन में इक्वल चेंज नहीं आएगा इसीलिए आपको यहां पर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि शेप वही रहेगा साइज कम होगा पहले मेटालिक स्फीयर था मतलब पहले स्फीयर था अभी भी स्फीयर होगा लेकिन पहले बड़ा था अभी ये छोटा साइज हो जाएगा इसमें हम लोग बलून का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज होता है यू कैन टेक इंक्रीजिंग वॉल्यूम और डिक्रीजिंग वॉल्यूम एग्जाम्पल जस्ट हमको यहाँ पर देखना होता है कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है बाय द एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स विच इज एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी तो डेफिनेशन इसका बनेगा वी आर अप्लाइंग नॉर्मल फोर्स वी आर अप्लाइंग नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज बल्क स्ट्रेस इज कॉल्ड एज बल्क स्ट्रेस नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है सो फॉर्मूला इज बल्क स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अप्लाई हो रहा है नॉर्मल नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया नॉर्मल फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ एरिया इज डिनोटेड बाय ए सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज द फॉर्मूला फॉर बल्क स्ट्रेस बट ड्यू टू दिस फोर्स देयर इज चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय डीवी डेफिनेटली अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वहां पर प्रेशर भी चेंज होगा And hence this force upon area is called as dp and this dp is called as change in pressure. Change in pressure. So bulk stress is equal to normal force upon area. Normal force is denoted by F. Area is denoted by A. यहाँ पर volume change हो रहा है और जब volume change होता है तो definitely यहाँ पर pressure भी change होगा According to Boyle's law, there is relation between pressure and the volume. तो इसीलिए हम यहाँ पर pressure का term ला लेते हैं क्योंकि volume change हो रहा है तो force upon area, you know that force upon area is the pressure. But in this case, volume get changes and hence you have to take the change in pressure denoted by dp. Now, let us find out the unit. Unit of this bulk stress is Force Newton area meter square. So Newton per meter square. It is the unit of bulk stress in MK system. अगर आपको CGS system लिखना है तो Newton का dime बना दो और meter का centimeter मतलब ये centimeter square होगा and this is in CGS system. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन एमके सिस्टम डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन सीजीएस सिस्टम नाउ लेट अस फाइंड आउट द डाइमेंशंस लेट अस फाइंड आउट द डाइमेंशंस फोर्स का डाइमेंशन एम वन एल वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाय डाइमेंशन ऑफ एरिया एल टू एंड हेंस यू विल गेट एम वन L2 ऊपर जाएगा माइनस टू होगा माइनस टू प्लस वन माइनस वन सो डायमेंशन आर एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू सो दिस इज अबाउट द बल्क स्ट्रेस
Now let us start. Concept of shearing stress. Shearing stress. Shearing is related with the shape of the body. Shearing stress, that means वो स्ट्रेस होगा जो शेप से रिलेटेड, मतलब शेप को चेंज करने वाला है. अगर शेप के चेंज, शेप में चेंज आता है, इसका मतलब वो शेयरिंग स्ट्रेन हुआ, शेयरिंग स्ट्रेन हुआ. लेकिन किसी भी स्ट्रेन के लिए स्ट्रेस की जरूरत होती है, तो शेयरिंग स्ट्रेन के लिए शेयरिंग स्ट्रेस की जरूरत होगी. तो कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करना है, यू हैव टू चेंज द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. जैसे एक एग्जांपल अगर लिया जाए, हमारे पास में एक वैक्स से बना हुआ स्फीयर है, वैक्स मोम से बना हुआ एक स्फीयर है. उस स्फीयर को प्रेस किया हमने, उस स्फीयर को प्रेस किया, उसका शेप चेंज हो गया. पहले स्फीयर था, अब आपने फोर्स अप्लाई किया, शेप चेंज हो गया. तो आपने क्या किया, उसको हाथों में पकड़ के उसको प्रेस किया, तो उसके एरिया पर फोर्स अप्लाई किया, कॉल्ड एज शेयरिंग स्ट्रेस. उसका शेप चेंज हो गया, कॉल्ड एज शेयरिंग स्ट्रेन. मतलब शेयरिंग स्ट्रेस जब अप्लाई किया जाता है तो बॉडी में शेयरिंग स्ट्रेन क्रिएट होता है. जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं क्यूब का, यू हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ क्यूब. क्यूब हो गया, दिस इज द लेफ्ट साइड सरफेस एंड दिस इज द राइट साइड सरफेस. ये जो सरफेस है ये वाला, ये लोअर सरफेस है, और इस सरफेस को हम लोग फिक्स्ड रखेंगे, इसको फिक्स रखा जाएगा. और जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो इस सरफेस पर, मतलब अपर सरफेस पर फोर्स अप्लाई करेंगे. ये फोर्स टेंजेंशियल फोर्स होगा, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स. इसको फिक्स रखा है हमने और टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होगा, तो ये जो सरफेस है सिर्फ इस सरफेस का डिस्प्लेसमेंट होगा. हाँ, ये सरफेस का भी डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको मैंने रेड लाइन से मार्किंग किया हुआ है. ये सरफेस पैरेलल सरफेस है और आप अपर सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब इस सरफेस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये ऐसा जाएगा भाई, ये सरफेस जो है वो मोशन नहीं करेगा. तो मैं यहां पर आपको, जैसे कोई भी क्यूब जब हम देखते हैं तो फ्रंट से अगर देखें, मतलब जैसे हम लोग देखेंगे तो उसका जो फ्रंट सरफेस है वो सिर्फ अपनी नजर में आता है, ऊपर वाला सरफेस नहीं, नीचे वाला सरफेस नहीं, आजू बाजू वाला नहीं, और पीछे वाला सरफेस तो दिखाई नहीं देता. तो कैसा दिखता है वो, स्क्वायर दिखता है, स्क्वायर दिखता है. लेट अस, इट इज नेम्ड एज एबीसीडी. आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, इसको फिक्स रखा है, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया. तो ये जो A है ये A डैश हो जाएगा, मतलब A का डिस्प्लेसमेंट यहां पर होगा, क्योंकि ये दो सरफेस जो है वो ऐसी झुक जाएगी, ऐसी झुकेगी, मतलब A का लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ A डैश पर और B का लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ B डैश पर. ठीक है, तो AD जो है वो A डैश D कहलाएगा और BC जो है वो B डैश C कहलाएगा. पहले क्या था, स्क्वायर. अब आप ये रेड कलर वाला देखो, रेड कलर वाला ज्योमेट्री देखो, आपको रोम्बस दिखाई दे रहा है. मतलब यहां पर मैंने एक सिंगल प्लेन लेकर समझा दिया कि स्क्वायर का रोम्बस हो गया. उसी प्रकार से इस क्यूब के ऊपर फोर्स अगर अप्लाई करोगे, इसका भी शेप चेंज हो जाएगा. तो यहां पर आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो टेंजेंशियल है, ताकि वो एक पर्टिकुलर एरिया पर ही अप्लाई हो, पूरे बॉडी पर अप्लाई होने की जरूरत नहीं है. आपको डिस्प्लेस अपर सरफेस का करना है, पूरे बॉडी को डिस्प्लेस नहीं करना है.
So here you have to apply the tangential force. Acting per unit area of, हम लोग सिर्फ अपर सरफेस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बाकी किसी सरफेस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट अपर सरफेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज शियरिंग स्ट्रेस. इट इज कॉल्ड एज शियरिंग स्ट्रेस. जैसे एग्जांपल में आपको बताया. सो फॉर्मूला फॉर शियरिंग स्ट्रेस इज विच फोर्स इज अप्लाइड हियर, टेंजेंशियल फोर्स. इट इज एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अपर सरफेस. एरिया ऑफ अपर सरफेस इज ए. एरिया ऑफ अपर सरफेस इज ए. सो दिस बिकम्स, लेट अस कंसीडर फोर्स एफ डिवाइड बाय एरिया ए. And this is the formula for the shearing stress. ये shearing stress का formula हो गया. आपको पूरे body के ऊपर force apply करने की ज़रूरत नहीं है. Just आपको जिस surface का displacement करना है, उसी के ऊपर force apply करो. लेकिन बात यहाँ पर ये है कि आप अब जब upper surface को force apply करोगे, तो lower surface को fix रखना ज़रूरी है. नहीं तो पूरा का पूरा body जो है, वो displace होगा, जिसके कारण shape change नहीं होगा. Shape को अगर change करना है, तो आपको अपर सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और लोअर सरफेस को फिक्स रखना है. नाउ लेट अस फाइंड आउट यूनिट. यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड दिस इज इन एमकेएस सिस्टम. फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज इन एमकेएस सिस्टम. न्यूटन इज कन्वर्टेड इनटू डाइम, मीटर इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज इन सीजस सिस्टम. सीजस सिस्टम में हो जाएगा. एंड व्हाट आर द डाइमेंशंस? डाइमेंशंस क्या होंगे? तो फोर्स है, तो फोर्स का डाइमेंशन होगा एम वन एल वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया. तो एरिया का डाइमेंशन यहां पर होगा एल टू एंड हेंस यू विल गेट एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू are the dimensions for shearing stress. Thank you.